अगर आप चाहते हो कभी लाइफ में शुगर ना आए, कभी बीपी ना आए, तो जो बताऊंगा ऐसे कर लोगे। ब्लड प्रेशर की गोली विद इन 30-60 डेज में धीरे धीरे कम होके छूट सकती है। आज के बाद नियम बना लो कि डेली 15 मिनट कम से कम नंगे पांव घास पे जरूर घूमना है। ये नियम सबका होना चाहिए, नंगे पांव घास पे, कभी किडनी फेल नहीं होगी। ब्लड प्रेशर की गोली विद इन 30-60 डेज में धीरे धीरे कम होके छूट सकती है। कितने लोग बीपी की गोली खाते हैं रोज? बीपी की गोली खाते हैं। और शुगर किसको किसको है? शुगर, शुगर कभी लोगों को है। अगर आप चाहते हो कभी लाइफ में शुगर ना आए, कभी बीपी ना आए, तो जो बताऊंगा ऐसे कर लोगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ खाने का सिस्टम थोड़ा सा चेंज करना है। जब भी खाना खाना है दो प्लेट्स में खाना है। आपने अगर कभी चाहते हो इस जन्म में ना शुगर आए ना बीपी आए, एक चीज याद रखना, जितनी भी बीमारियां हैं, किडनी फेल, लीवर फेल और कैंसर, 80% शुगर और बीपी वाले को ही होती है। मतलब शुगर है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी फेल होगी, बीपी है तो ही हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, तो ही किडनी की प्रॉब्लम आएगी, तो ही कैंसर आने के चांस बढ़ेंगे। मतलब शुगर और बीपी वाले को 80% ज्यादा चांस है किडनी फेल के, लीवर फेल के और कैंसर के। तो एक तरीका है छोटा सा, जो भी आप खाना खाते हो बस सैलेड और फ्रूट पहले खाना शुरू कर दो। कभी भी खाना खाना है, हम क्या करते हैं, एक ग्रही खाएंगे साथ में खीरा खाएंगे, फिर एक ग्रही खाएंगे एक टमाटर खाएंगे, फिर एक ग्रही खाएंगे थर्ड में प्याज खाएंगे। ऐसे नहीं करना, खीरा टमाटर प्याज मूली गाजर सब पहले खाना है, सेब संतरा किन्नू अमरूद आम सब पहले खाना है। मतलब जब भी खाना खाना है पहले सैलड खाना है, बाद में नहीं। और कितना खाना है? जितना आपका वजन गुणा 5। अगर आप 60 किलो के तो लगभग 300 ग्राम, 70 किलो के तो 350 ग्राम, 80 किलो के तो 400 ग्राम, अंदाजन ये आपकी डाइट है। और खाना खाने और सैलड में गैप नहीं होना चाहिए। अभी सैलड खत्म हुई अभी खाना, मतलब रोटी खाओ चावल खाओ इमीडिएटली पहले क्या खाना है? सैलेड, लंच में भी डिनर में भी और नाश्ते में फ्रूट्स। अगर ये नियम बनाओगे तो कभी भी शुगर और बीपी होगा ही नहीं। दुनिया में किसी भी डॉक्टर से पूछना, आज तक एक पेशेंट का नंबर दो, आपने किसी की शुगर ठीक की है क्या, मेंटेन नहीं ठीक की है क्या, एक भी डॉक्टर के पास एक भी पेशेंट का नंबर नहीं होगा। ये मैं मॉडर्न डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं। हम आपको लाखों पेशेंट के नंबर दे सकते हैं जिनकी शुगर ठीक हो जाती है गोली से नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम बोल नहीं सकते। भारत में अंग्रेजों का बनाया कानून चल रहा है 1940 मैजिक रेमेडी एक्ट, हम कर सकते हैं बोल नहीं सकते। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेरा बसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।